नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित, आप सभी की मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाले कि वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है। आज की इस वीडियो में पूरा यही समझाने वाला हूँ कि वीडियो को अपलोड कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल समझाऊंगा। आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो को हम कैसे अपलोड करते हैं। देखिए गाइज, आप जब कोई वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो क्या होता है कि आप वीडियोज़ अपलोड करते समय वहाँ पर पब्लिक कर देते हैं, तो इससे क्या आपको गलती होता है। जब आप पब्लिक करके वीडियोस अपलोड करते हैं तो क्या होता कि जब मतलब आप टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल नहीं लिख पाते हैं तो क्या होता है, पब्लिक हो जाता है, तो जो व्यूअर्स होते हैं आपके वीडियोस को पूरा नहीं देख मतलब देखते ही नहीं, क्योंकि आप उस पर थंबनेल नहीं लगाए, ना तो टैग लगाए, ना तो डिस्क्रिप्शन लिखे, कुछ भी नहीं लिखे हैं, तो आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके वीडियोज़ को नहीं देखेगा, क्योंकि उस पर आप थंबनेल और जो है टैग नहीं लगाए हैं, ना तो थंबनेल लगाए, ना तो टैग लगाए हैं, ना तो डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, तो उससे क्या होता है आपके सब्सक्राइबर को इफेक्ट पड़ता है कि अभी ये बंदा जो है टैग नहीं लगाया है, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। इसलिए गाइस, आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो क्या होता है कि आप प्राइवेट करें या अनलिस्टेड करके वीडियोज़ अपलोड करें। इससे क्या फ़ायदा होता कि आपको काफ़ी समय मिल जाता है। मान लीजिए आप वीडियोज़ अपलोड कर दें, हो सकता भाई आप जो है सुबह वीडियोज़ अपलोड करें और शाम को उसको जो है थंबनेल लगाएं और डिस्क्रिप्शन लिखें, टैग लिखें, और आपको आपके मान लीजिए उतना समय नहीं है कि आप जो है उतने समय वीडियोज़ अपलोड करते समय भाई टैग डिस्क्रिप्शन लिख दें। इससे फ़ायदा यही होता है कि आप वीडियोज़ अपलोड कर दीजिए और चाहे जब आप थंबनेल डिस्क्रिप्शन टैग लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कि उससे कोई चैनल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, व्यूज़ नहीं आएगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे जब वीडियोज़ आप पब्लिश कर सकते हैं, टैग डिस्क्रिप्शन टैग जो है आप लिख करके आप पब्लिश कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, और भी बारीकी से समझना है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। गाइस, जब आप कोई वीडियोज़ आप अपलोड करते हैं तो आपको सिंपली यहां पर क्या करना है, सिंपली जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो जिसे आपका डांस का चैनल है या जो है टेक का चैनल है या कॉमेडी चैनल है, तो आप जो है क्या करेंगे, मतलब किस अनलिस्टेड पर करेंगे कि पब्लिक पर जो है रख करके जो है आप अपलोड करेंगे कि प्राइवेट पर करेंगे। देखिए दोस्तों, आप जब वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको जो है प्राइवेट पे करना चाहिए या तो अनलिस्टेड पे करिए, पब्लिक पे मत करिए। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है उतने टाइम में आप जो है ना तो थंबनेल लगा चुके होंगे, ना तो टैग लिख चुके होंगे, मतलब आप पूरा कंप्लीट नहीं कर चुके होंगे, हो सकता है जब तक आप वीडियोज़ अपलोड करें, क्योंकि क्या होता है जैसे पब्लिश हो गया तो वो क्या होता है पब्लिक के पास पहुँच जाता है। कि जब वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको सिंपली अनलिस्टेड पे कर देना चाहिए या तो प्राइवेट पे करें। अगर आप ऐसे चीज़ करते हैं तो आप क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका वीडियोज़ अपलोड भी हो गया तो क्या होगा कि आप अपने थंबनेल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख करके तब जाके पब्लिश करें, उससे आपको दिक्कत कोई नहीं होगा कि आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आएंगे, कि सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, सब कुछ वही सेम टू सेम होगा, लेकिन आप पूरा कंप्लीट जैसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जब वीडियोज़ अपलोड हो जाएगा पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब जाके आपको पब्लिश करना चाहिए। हर एक यूट्यूबर ये सब करता है, हर कोई चैनल वाले करते हैं जो कि ऐसे पहले से ही करते हैं, मतलब जो है वो पहले से पब्लिक ना करके, मतलब जो पहले से पब्लिक नहीं करते हैं, पहले अनलिस्टेड करते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं कि जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, थंबनेल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिख देते हैं, तो तब जाके पब्लिक करते हैं। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो भाई ऐसे आपको करना चाहिए, आपको अगर ये चीज़ करते हैं तो क्या होता कि आपको भाई मतलब पूरा समय मिल जाएगा टैग डिस्क्रिप्शन टैग लिखने के लिए, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अच्छे से, तो क्या होगा कि आप अच्छे से लिख पाएंगे, नहीं तो भाई जल्दबाजी में लिखेंगे, उससे क्या होगा कि आपका गलत भी हो सकता है। इसलिए गाइज, आप जो है अनलिस्टेड पे करके वीडियोज़ अपलोड करें। तो गाइज, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।